दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि जुलाई और अगस्त में सबसे ज़्यादा कौन सी गाड़ी बिकी है और दोनों महीने में उनकी सेल्स क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉप लिस्ट प्रोवाइडर, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। रेनो की डस्टर। डस्टर एक 5-सीटर एसयूवी कार है। इस कार की जुलाई में 882 यूनिट बिकी थी, जबकि अगस्त में इसकी 943 यूनिट बिकी हैं, यानी कि अगस्त में 6.92% सेल्स बढ़ गई है। डस्टर में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन का ऑप्शन मिलता है। पहला 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन जिसका माइलेज है 14 KMPL का, दूसरा 1.5 लीटर का डीजल इंजन जिसका माइलेज है 20 KMPL का। गाड़ी की एक शोरूम कीमत है 7.99 लाख से लेकर 12.49 लाख तक। हुंडई की वेन्यू। वेन्यू एक 5-सीटर एसयूवी कार है। इस कार की जुलाई में 8763 यूनिट बिकी थी, जबकि अगस्त में इसकी 9585 यूनिट बिकी है। इस गाड़ी की अगस्त में 9.38% सेल्स बढ़ गई है। वेन्यू में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन का ऑप्शन मिलता है। पहला 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन जिसका माइलेज है 17 KMPL का, दूसरा 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन जिसका माइलेज है 18 KMPL का, तीसरा 1.4 लीटर का डीजल इंजन जिसका माइलेज है 24 KMPL का। गाड़ी की एक शोरूम कीमत शुरू होती है 6.5 लाख से लेकर 11.1 लाख तक। होंडा की अमेज एक 5-सीटर सेडान कार है। इस कार की जुलाई में 5306 यूनिट बिकी थी, जबकि अगस्त में इसकी 5818 यूनिट बिकी है, यानी कि अगस्त में इसकी 9.65% बढ़ गई है गाड़ी की सेल्स। अमेज में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन का ऑप्शन मिलता है। पहला 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन जिसका माइलेज है 19.5 KMPL का, दूसरा 1.5 लीटर का डीजल इंजन जिसका माइलेज है 27 KMPL का। गाड़ी की एक शोरूम कीमत शुरू होती है 5.93 लाख से लेकर 9.79 लाख तक। वॉक्स वैगन की पोलो। पोलो एक 5-सीटर हैचबैक कार है। इस कार की जुलाई में 1450 यूनिट बिकी थी, जबकि अगस्त में इसकी 1600 यूनिट बिकी है, यानी कि गाड़ी की अगस्त में 10.34% सेल्स बढ़ गई है। पोलो में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन का ऑप्शन मिलता है। पहला 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन जिसका माइलेज है 19 KMPL का, दूसरा 1.5 लीटर का डीजल इंजन जिसका माइलेज है 20 KMPL का। गाड़ी की एक शोरूम कीमत है 5.82 लाख से लेकर 9.88 लाख तक। एस्कोडा रैपिड। रैपिड एक 5-सीटर सेडान कार है। इस कार की जुलाई में 612 यूनिट बिकी थी, जबकि अगस्त में इसकी 707 यूनिट बिकी है। इस गाड़ी की अगस्त में 15.52 सेल्स बढ़ गई है। रैपिड में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन का ऑप्शन मिलता है। पहला 1.6 लीटर का पेट्रोल इंजन जिसका माइलेज है 15 KMPL का, दूसरा 1.5 लीटर का डीजल इंजन जिसका माइलेज है 21 KMPL का। गाड़ी की एक शोरूम कीमत है 6.99 लाख से लेके 14.25 लाख तक। टोयोटा कंपनी की इटियोस लीवा। इटियोस लीवा एक 5-सीटर हैचबैक कार है। इस कार की जुलाई में 693 यूनिट बिकी थी, जबकि अगस्त में इसकी 838 यूनिट बिकी है, यानी इस गाड़ी की अगस्त में 20.92% सेल्स बढ़ गई है। लीवा में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन का ऑप्शन मिलता है। पहला 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन जिसका माइलेज है 18 KMPL का, दूसरा 1.4 लीटर का डीजल इंजन जिसका माइलेज है 24 KMPL का। गाड़ी की एक शोरूम कीमत है 5.58 लाख से लेकर 7.77 लाख तक। मारुति की अल्टिगा। अल्टिगा एक 7-सीटर एमयूवी कार है। इस कार की जुलाई में 7567 यूनिट बिकी थी, जबकि अगस्त में इसकी 9222 यूनिट बिकी है, यानी इस गाड़ी की अगस्त में 21.87% सेल्स बढ़ गई है। अल्टिगा में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन का ऑप्शन मिलता है। पहला 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन जिसका माइलेज है 19 KMPL का, दूसरा 1.3 लीटर का डीजल इंजन जिसका माइलेज है 25 KMPL का। गाड़ी की एक शोरूम कीमत है 7.54 लाख से लेकर 11.2 लाख तक। हुंडई की सेंट्रो। सेंट्रो एक 5-सीटर हैचबैक कार है। इस कार की जुलाई में 4141 यूनिट बिकी थी, जबकि अगस्त में इसकी 5309 यूनिट बिकी है,
यानी कि इस कार की अगस्त में 28.21% सेल्स बढ़ गई है। सेंट्रो में आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है और वो है 1.1 लीटर का इंजन जिसका माइलेज है 20 KMPL का। गाड़ी की एक शोरूम कीमत है 4.19 लाख से लेकर 5.72 लाख तक। मारुति की वैगनार। वैगनार एक 5 सीटर हैचबैक कार है। इस कार की जुलाई में 10,228 यूनिट बिकी थी जबकि अगस्त में इसकी 15,062 यूनिट बिकी है, यानी कि इस कार की अगस्त में 47.27% सेल्स बढ़ गई है। वैगनार में आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है, लेकिन इसमें आपको दो पेट्रोल इंजन मिलते हैं। पहला 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन जिसका माइलेज है 22.5 KMPL का, दूसरा 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन जिसका माइलेज है 21.5 KMPL का। गाड़ी की एक्चुअल कीमत की बात करें तो वो है 4.34 लाख से लेकर 5.91 लाख तक। फोल्ड की फीगो। फीगो एक 5 सीटर हैचबैक कार है। इस कार की जुलाई में 308 यूनिट बिकी थी जबकि अगस्त में इसकी 1466 यूनिट बिकी है, यानी इस कार की अगस्त में 375.97 यानी 375% से भी ज़्यादा सेल्स बढ़ गई है। फीगो में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन का ऑप्शन मिलता है। पहला 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन जिसका माइलेज है 20 KMPL का, दूसरा 1.5 लीटर का डीजल इंजन जिसका माइलेज है 25 KMPL का। गाड़ी की एक शोरूम कीमत है 5.23 लाख से लेकर 7.69 लाख तक। तो ये हैं 10 वो गाड़ियाँ जिनकी सेल्स बढ़ रही है महीने के हिसाब से। आपके हिसाब से इनमें से कौन सी अच्छी कार है और कौन सी कार सबसे ज़्यादा बिकनी चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।